दोस्तों नमस्कार। आज है 28 मार्च सन 2024। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम जो आंकड़े आपको प्रस्तुत करें वो रिलायबल रिसोर्सेज से लिए जाएँ। फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप दिए गए आंकड़ों को अपने स्तर पर जरूर जांचें। आज के एपिसोड में हम छोटी और बड़ी इलायची पर करेंगे चर्चा। छोटी और बड़ी इलायची दोनों का रुख एक दूसरे से विपरीत हो रहा है। जहां एक तरफ बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डेमन तेजी दिखा रही है, जबकि छोटी इलायची की आवक बढ़ने से बाजारों के अंदर कुछ भाव करेक्शन बताए जा रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों एक और विनम्र अनुरोध, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है और जो हमारी सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए स्पाइसेस के ऊपर ग्रेन्स, ऑयल सीड्स एवं पल्सेस के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों छोटी इलायची की अराइवल यानी आवक लगातार तीसरे दिन तेज दिखाई दे रही है। कल 27 मार्च को 1,00,000 किलोग्राम से अधिक की आवक मंडियों में बताई जा रही है, नीलामी केंद्रों पर बताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले लगातार 2-3 सत्रों से 1,00,000 किलोग्राम की आवक छोटी इलायची के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि उतनी डिमांड नहीं देखने को मिली है। अराइवल बढ़ने यानी आवक बढ़ने से छोटी इलायची में गिरावट का रुख देखा गया। गौरतलब है कि यदि पर किलो यदि एवरेज भाव देखें तो 1423 से 1427 रुपए से घटकर ये 1493 से 1429 रुपए रह गया है। अधिकतम पर केजी की कीमत 1930 रुपए से 1997 रुपए तक मामूली वृद्धि के बावजूद पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में 1500 रुपए से ऊपर कारोबार करने के बाद औसत कीमतें 1500 रुपए से नीचे रही हैं। गौरतलब है कि यदि हम स्पेशल ग्रेडेड की बात करें तो 7 mm की कीमतें 1560 रुपए से 1650 रुपए प्रति किलोग्राम बताई जा रही है, जबकि 7 से 8 mm की कीमत 1700 से 1740 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है। 8 mm या उससे अधिक ऊंची क्वालिटी यानी अपर ग्रेड में 2000 से 2140 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में ऑक्शन केंद्रों पर छोटी इलायची की आवक 1,00,000 किलोग्राम से ऊपर रही है। पिछले सत्र में 1,34,166 किलोग्राम से थोड़ी कम होकर 1,20,718 किलोग्राम रह गई है। इसके बावजूद भी बाजार के अंदर आवक अधिक होने के कारण 1,29,451 किलोग्राम से घटकर 1,15,238 किलोग्राम पर बिक्री के समाचार मिले हैं। गौरतलब है कि अधिक अराइवल होने से छोटी इलायची की बिक्री पर अब एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दोस्तों अब जानिए बड़ी इलायची के ऊपर अपडेट। बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डमन डोडा में आज के ताज़ा भाव यानी 28 मार्च के नेपाल टॉप JJ 1425 रुपए बताए जा रहे हैं और श्योर फॉर श्योर के भाव 1600 रुपए बताए जा रहे हैं। बड़ा दाना 1700 रुपए, ये सभी भाव GST इसके अतिरिक्त बताई जा रही है। गौरतलब है कि बड़ी इलायची के अंदर शानदार तेजी दर्ज हुई है, जिसका पूर्वानुमान हमने आपको दिया था। आपको याद होगा लगभग 2 महीने पहले बड़ी इलायची के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और विशेषकर ग्वालियर मार्केट के अंदर कुछ स्टॉकिस्टों ने 1200 रुपए से नीचे भी की डिमांड भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद उस वक्त भी हमने कहा था कि बड़ी इलायची की जो डिमांड है और अवेलेबल स्टॉक है वो उसके बीच में सामंजस्य नहीं है और ये भाव उचित नहीं है। और उसके बाद देखिए शानदार तेजी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि नेपाल में फसल कम होने की समाचार है, जिसको लगातार हमने अपडेट किया है। गौरतलब है कि बाजार में लगभग 150 से 175 रुपए की गिरावट के बाद उसके बाद 200 रुपए तक बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि भारी गिरावट के बाद बड़े कारोबारियों ने नेपाल से काफ़ी माल
उठाया था और उन गिरावट का उन्होंने फायदा बहुत शानदार तरीके से लिया था। गौरतलब है कि नेपाल में बड़ी इलायची के भाव 74,000 से बढ़कर 86,000 के भाव नेपाली रुपया में हो गए हैं, जिसके कारण नेपाल से माल मंगाने पर भी भाव पड़ते में नहीं लग रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में लगभग 70 से 80 रुपए की तेजी बनकर 470 से 1480 रुपए तक के भाव देखने को मिले हैं। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी गंगटोक के साथ भूटान में भी बड़ी इलायची की फसल काफ़ी कम थी और दूसरी ओर पुराना स्टॉक भी पूरी तरह से बाजारों में खपने के समाचार हैं। इसके अलावा नेपाल बड़ी इलायची का बड़ा उत्पादक केंद्र है, लेकिन वहाँ भी इस बार फसल में भारी पोल थी और आज की तारीख में यदि नेपाल से मंगाने पर भी भाव 1500 रुपए से ऊपर पड़ते हैं। पिछले एक महीने से लगातार स्टॉक जिनके पास था वो काट रहे थे और अब बाजारों के अंदर बड़ी इलायची के ऊपर बड़ी तेजी देखने को मिली है। गौरतलब है कि स्टॉक कम है और साथ साथ जो स्पेकुलेशन या दूसरी गतिविधियों इन्वॉल्व है उनके लिए अब ये बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जब एक से डेढ़ महीने पहले डिलीवरी के वजह से भाव टूटे थे, लेकिन उसके बाद में लगातार तेजी हो रही है। दूसरी ओर रमजान के वजह से भी खपत बढ़ गई है, साथ साथ भाव लगातार मजबूत देखे गए हैं और नेपाल से भी बात करने पर पता लग रहा है कि वहाँ भी नेपाल की मांग कतर और बाकी देशों में लगातार बढ़ रही हैं। और ये भी खबर निकल के आ रही है कुछ स्टॉकिस्टों ने बाल हर भाव पर खरीदने का मानस बनाया हुआ था। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण ये बात ये है कि जब भाव ऊंचे होते हैं तो उस समय माल खरीदना चाहिए, या माल जब भाव नीचे होते हैं तब खरीदना चाहिए। दोस्तों व्यापार का बिल्कुल सिंपल और एक कायदा यह है कि यदि भाव किसी भी कमोडिटी के नीचे हैं और आगे आपको मांग अच्छी नज़र आती है तो अक्सर व्यापारी माल खरीदता है। भाव ऊंचे होते हैं, आगे मांग कम नज़र आती है तो वो व्यापारी माल को देख के आवश्यकता अनुसार खरीदता है। जो स्टॉक का माल स्टॉक करने में विचार रखते हैं, दो तरह के व्यापारी हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर। ट्रेडर अपनी आवश्यकता अनुसार माल खरीदते हैं और आवश्यकता अनुसार ही बेचते हैं। तेज आएगा तेज बिकेगा, मंदा आएगा मंदा बिकेगा। लेकिन वो व्यापारी जो स्टॉक कर 3-4 महीने के लिए खरीदते हैं और उनको स्टॉक के भाव से उनको मुनाफा चाहिए होता है, उनको आगे तक की गतिविधियों का पूर्ण अनुमान लगाना होता है और वो अनुमान रिस्क से भरा होता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन उसमें मुनाफा भी अधिक होता है। तो व्यापार रिस्क का दूसरा नाम है, यानी खतरे का दूसरा नाम है, लेकिन उचित परामर्श, उचित रिसर्च और उचित बुद्धि ये व्यापार के नियम हैं। साहस, पूंजी और ईमानदारी जिसकी है वो बाजार में तरक्की करता है। अतः अब आगे आने वाले समय में क्या छोटी और बड़ी इलायची के साथ साथ लौंग, काली मिर्च, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, कलौंजी, चिरौंजी, मखाने, किशमिश, इनमें आगे क्या संभावनाएं बनती हैं, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हम कभी नहीं कहते कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करें, आप अपनी आवश्यकता, क्षमता और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर ही जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, वो हमेशा कामयाब रहता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। सुनने में कभी बुराई नहीं है, लेकिन करो आप अपने मन की, अपनी रिसर्च करो, साथ साथ रिसर्च, अच्छे रिसर्च करने वालों से आप रिसर्च भुगतान करने पर प्राप्त करो और फिर अपने दिल की बात से अपने व्यापार करो, तो व्यापार हमेशा सक्सेसफुल होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।